दोस्तों, आप तो इंटरनेट में हर कोई गेम खेलते हो अपनी मोबाइल से। क्या कभी आप ऐसी गेम खेले हैं जिसको खेलकर आपको मौत आ सकती है? जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि खेलकर ज्यादातर लोग टीनेजर्स मर गए हैं। वो और कोई गेम नहीं है, वो है ब्लू वेल गेम। आज इस वीडियो में मैं इस गेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और टेक सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ब्लू वेल गेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो कि एक किलर गेम है। ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक यह गेम 2013 में रूसिया में इन्वेंट किया गया था, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट ने इन्वेंट किया था। उसका नाम फिलिप बुडेकिन है। उसका उद्देश्य यह था कि वो समाज से जो मेंटली और फिजिकल चैलेंज पीपल है उनको हटाना, उनको साफ करना और एक क्लीन सोसाइटी क्रिएट करना। हालांकि इस शख्स को 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया है, रूसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी इस गेम का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। इस गेम को खेलकर 130 टीनेजर्स का मौत अभी तक हो गया है। इस गेम चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे कि इंडिया, बुल्गेरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे देशों में ये गेम फैला हुआ है अभी तक। इस गेम में एक ऑकवर्ड चैलेंजेस आता है जिसको आप हर एक स्टेप करते हो। 50 टैक्सेस 50 डेज में आता है जो कि आपको करना चाहिए। और ये एक इंटर रिलेटेड गेम है जो कि आपको आपकी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ग्रेन का क्रिएटर है उनका उनके साथ लिंक होता है। इस गेम में आपको क्या करना, आपको वो भी इस गेम में एक मजेदार पार्ट ये है कि ये आपको इजीली फास्ट जो 10 टैक्सेस है वो इजीली होता है, वो देता है आपको। तो दोस्तों, मैं आज इसके टैक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो कि फास्ट टैक्स ये देता है कि अपने हाथ को काट कर F57 लिखना और उसका फोटो एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना। ये ज्यादातर आसान है इसलिए इसको टीनेजर्स कर लेते हैं। सेकंड टैक्स जो होता है वो होता है ये है कि 4:20 को उठना और स्कैरी वीडियो देखना जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा है। ये तो है सेकंड वीडियो, सेकंड टैक्स ये भी इजी है, इसको भी टीनेजर्स कर देते हैं। ऐसे ही 10 टैक्सेस टास्क जो होता है वो इजी है, जैसे कि अपने हाथ के नसों को काटना, बट नॉट डीप, गहराई से मत काटना, जस्ट काटना और उसका फोटो खींच के एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना। फोर्थ ये है कि एक पेपर में वेल ड्रॉ करना। और फिफ्थ में जो होता है वो पूछता है आप एक वेल बनने के लिए तैयार है या नहीं, अगर नहीं तो अपनी पैर को काटना, ये एक पनिश होता है। इसी तरह 50 चैलेंजेस देता है। और लास्ट जो चैलेंजेस होता है सुइसाइड का चैलेंजेस। अगर आप ये गेम को क्विट करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, और इस गेम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं ये गेम भी अनइंस्टॉल नहीं होता है। ऐसे ही रिपोर्ट के मुताबिक है, क्या पता इस गेम अनइंस्टॉल नहीं होता या इसको हैक कर लिया गया है, ये हमको नहीं पता है अभी तक। तो दोस्तों, मेरा मतलब से आप ये है कि प्लीज ये गेम को ट्राई मत करना। इस गेम का लिंक अगर कहीं पे भी आपको मिलती है तो प्लीज इसको डाउनलोड मत करना। और जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, ये अपनी बच्चों के ऊपर भी नजर रखना, आपकी बच्चा ऐसी कोई गेम नहीं खेलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ब्लू व्हेल गेम के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर मेरे से कोई गलती है तो आप
नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए क्या गलती हुई है मेरे से। अगर हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थी कुछ ब्लू व्हेल गेम के बारे में। आपको जो भी टिप्स दिया है मैंने उसको फॉलो करना। आप इस गेम की लिंक अगर कहीं पे भी मिलती है इसको डाउनलोड मत करना। किसी ग्रुप में भी अगर मिलती है तो इसको डाउनलोड कर मत करना। इस गेम से दूर रहिए, तो इसमें आपकी ज़्यादा सेफ्टी है। ये थी ब्लू व्हेल के कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके देन, गुड बाय, जय जगन्नाथ।